कैलेंडर का हर महीना इम्पॉर्टेंट होता है और उसमें जन्म लेने वाले व्यक्तियों में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, कुछ कमियां होती हैं और उन्हीं कमियों और विशेषताओं के कारण वह जाना जाता है। परंतु कुछ महीने ऐसे भी होते हैं जिनमें पैदा होने वाले लोग सेलिब्रिटीज होते हैं। राजनीति, खेल, एक्टिंग और दुनिया भर के तमाम विधाओं के पारंगत होते हैं। ऐसे ही महीने में जन्म लेने वाले सेलिब्रिटीज की हम आज बात करेंगे। हम बात करेंगे आज अक्टूबर महीने में पैदा होने वाले सेलिब्रिटीज के बारे में। हम बात करेंगे अक्टूबर महीने में पैदा होने वाले लोगों की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उनमें कमियां होती हैं और क्यों वो जाने जाते हैं अपने इन गुणों के कारण। तो अक्टूबर का महीना है कैलेंडर का 10वां महीना, 10। न्यूमरोलॉजी की बात करें तो इसमें 1 भी आता है और 0 भी आता है। 1 डिनोट करता है सूर्य को, यानी कि अक्टूबर महीने का जो साइन है वो हो गया सूर्य। सूर्य जैसा प्रभाव होता है अक्टूबर महीने में पैदा होने वालों व्यक्तियों के ऊपर, यानी कि वो आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं और तमाम गुणों से वो भरे होते हैं जो कि सूर्य में होता है। हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं अनिल गोस्वामी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तुविद। ऐसा सौभाग्यम के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अक्टूबर महीने में पैदा होने वाले लोगों की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उनमें गुण होते हैं, क्या उनमें कमियां होती हैं, उनके लिए कौन से डेज, कौन से कलर अच्छे होते हैं, उनकी कैसे होगी हेल्थ, कैसी होगी वेल्थ, लव लाइफ और फाइनेंशियल लाइफ, यानी कि हम हर क्षेत्र की आज चर्चा करेंगे जिन लोगों का जन्म अक्टूबर महीने में हुआ है। आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक अनुरोध, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को देखिए। आप नियमित रूप से एस्ट्रो सौभाग्यम के वीडियोस देखते रहें, क्योंकि हमारा ध्येय यही है कि आपको एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी प्राप्त हो। तो चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो में अक्टूबर महीने में पैदा होने वाले व्यक्तियों के विषय में। जिन व्यक्तियों का जन्म अक्टूबर महीने में हुआ है तो अक्टूबर महीने में 2 ज़ोडियक साइन आते हैं। पहला ज़ोडियक साइन है लिब्रा और दूसरा है स्कॉर्पियो। अगर किसी व्यक्ति का जन्म 1 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर के बीच में हुआ है तो उसका ज़ोडियक साइन होगा लिब्रा, और अगर 23 अक्टूबर से लेकर अंत तक यानी कि 31 अक्टूबर के बीच में हुआ है तो उसका ज़ोडियक साइन होगा स्कॉर्पियो। लिब्रा का जो ग्रह है वह है शुक्र यानी कि वीनस, जो आपको देता है वैभव, आपको देता है सफलता, आपको देता है प्रसन्नता, धन और जितनी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो हमें शुक्र से ही प्राप्त होती है। जबकि स्कॉर्पियो का जो ग्रह है वह है मंगल, जो देता है साहस, जो देता है करेज, जो देता है बुद्धि, जो देता है आगे बढ़ने की राह, कॉन्फिडेंस और भी तमाम विशेषताओं से नवाजता है मंगल ग्रह। अक्टूबर महीने में पैदा होने वाले लोग अपनी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं। जो इनसे मिल लेता है वो इन्हें सदैव ही याद करता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अपोजिट सेक्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। ये लोग बहुत सादगी पसंद होते हैं, शांति पसंद होते हैं और हारमोनी पसंद होते हैं। ये लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, अपनी बात दूसरे से शेयर करते हैं, अपनी बात को कह पाते हैं। इन लोग का एक्सप्रेशन पावर भी बहुत अच्छा होता है। इनके कम्युनिकेशन स्किल की तो सदैव ही तारीफ की जाती है। दूसरे को कन्विंस करना, दूसरे को अपनी बातों में ढाल लेना इनको बखूबी आता है। हाँ, ये लोग वर्कहॉलिक होते हैं, जो भी काम शुरू करते हैं उस काम में डूब जाते हैं और जब तक काम को सही मकाम तक नहीं पहुंचा देते हैं ये लोग चैन नहीं लेते हैं। और कई बार तो ये होता भी है कि ये अपनी सुध बुध खो बैठते हैं और अपनी ना हेल्थ का ध्यान रखते हैं, ना समय का ख्याल रखते हैं, परंतु काम के लिए बहुत पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं। इन लोग का विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। ये लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं और इसी प्रकार के लोगों को भी चाहते हैं कि जो इनके सेम नेचर के हो। इनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। ये भगवान में आस्था रखने वाले होते हैं, ये ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं और ये भी अपेक्षा करते हैं कि लोग भी इनके साथ ईमानदारी के साथ ही पेश आए। ये लोग किसी भी क्षेत्र में हो अपने आप को समर्पित रखते हैं, काम के प्रति भी ईमानदार होते हैं और व्यक्ति के प्रति भी ये पूरी तरीके से ईमानदारी से ही अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। ये अक्टूबर महीने में पैदा होने वाले लोग क्रिएटिव थिंकिंग के होते हैं। इनको जो भी काम दिया जाए, किसी भी नेचर का काम दिया जाए,
इस काम को ये पूरी लगनशीलता के साथ करते हैं, ये अपनी जिम्मेवारी से कभी भागते नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि इनका एक्सप्रेशन पावर अच्छा है, इनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, इस कारण इनके दोस्तों की भी बहुत लंबी लिस्ट रहती है। जो भी इनसे मिलता है वो इनका दोस्त बन जाता है और इनकी दोस्ती लंबे समय तक बनी रहती है, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन पावर अच्छा है, ये दूसरे की बात को सुनते भी हैं और अपनी बात लोगों को शेयर भी करते हैं। इनका लर्निंग प्रोसेस तो जिंदगी भर चलता रहता है, ये सीखने में विश्वास करते हैं, ये मासूम बनके भोले बनके हमेशा सीखते हैं। ऐसा नहीं कि ये अपनी सुपीरियरिटी किसी के ऊपर लादते हों, परंतु ये जब भी किसी से सीखेंगे तो अपने आप को इस प्रकार प्रस्तुत करेंगे कि जैसे ये एक छोटे बच्चे हैं, क्योंकि इनका यही कहना होता है कि लर्निंग की कोई एज नहीं होती। कम्युनिकेशन स्किल तो इनका अच्छा है ये, साथ ही साथ इनका ड्रेस सेंस भी बहुत अच्छा है। ये चाहे अमीर हो या गरीब, किसी भी स्तर के हो, परंतु कपड़ों को ठीक ढंग से पहनते हैं, अपने आप का रख रखाव ठीक ढंग से करते हैं और इसी कारण ये सारी कम्युनिटी में प्रसिद्ध भी होते हैं, जाने भी जाते हैं। तो ये तो थी वो सारी बातें जो कि अक्टूबर महीने में पैदा होने वालों की विशेषताएं होती हैं। क्या क्या उनमें विशेषता है वो तो हमने आपको बता दिया, परंतु ऐसा तो नहीं कि कोई भी व्यक्ति केवल विशेषताओं वाला, चाहे वो किसी महीने में पैदा हुआ हो, कुछ ना कुछ निगेटिव बातें भी उनमें अवश्य होती हैं। तो आइए थोड़ी सी हम बातें करें कि उनमें क्या क्या ऐसी निगेटिव चीज़ें हैं। सबसे पहले तो बात ये करेंगे कि ये लोगों की कई बार अपनी स्पीच पे, अपनी वाणी पे संयम नहीं रह पाता। ये कई बार अपनी बात ऐसे कहते हैं कि सामने वाला इनसे हर्ट हो जाता है और यही उनकी एक्टिविटी उनके लिए लॉस का कारण बन जाती है और उनके डिफेम का कारण बन जाती है। इन लोगों में कई बार ईगो भी पाया जाता है और अपने ईगो के कारण भी ये दूसरे को हर्ट करते हैं। थोड़े से केयरलेस होते हैं, दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं और इसी भरोसे के कारण इन लोग को कई बार धोखे का सामना भी करना पड़ता है। सब कुछ हो जाता है परंतु ये लोग कभी हार नहीं मानते और चाहे ये गलत भी क्यों ना हो, परंतु अगर दूसरे के सामने ये झुकेंगे नहीं तो वहां पर भी रिलेशन टूटने की संभावना बन जाती है। ये फाइनेंशियल रूप से तो बहुत सुदृढ़ होते हैं, बहुत प्लानिंग करके करते हैं, परंतु कई बार ये कर्ज में डूब जाते हैं और एक बार कर्ज में डूब जाते हैं तो इनकी स्थिति खराब हो जाती है और फिर कर्ज को चुकाने में इनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये निर्णय लेने में भी बहुत आलसी होते हैं, कई बार ये देखा गया है कि निर्णय लेने में बहुत तेजी करते हैं और इस कारण इनका निर्णय कई बार गलत हो जाता है। गलत निर्णय लेने के कारण इनको बुरे परिणाम भी भुगतना पड़ते हैं। इसलिए गलत संगत ना करें, कर्ज ना लें और अपने आप को ईगो से दूर रखें। अक्टूबर महीने में पैदा होने वाले कुछ लोगों में ये भी देखा जाता है कि इनकी एक्स्ट्रा मैरिटल एक्टिविटीज भी होती हैं, इस कारण इनका दाम्पत्य जीवन कई बार परेशानी में आ जाता है। अब बात कर लेते हैं इनकी लव लाइफ की। अक्टूबर महीने में पैदा होने वाले लोगों पर जिनके के लियो सनसाइन है, इनके ऊपर वीनस का बड़ा प्रभाव होता है। इनकी पर्सनैलिटी बड़ी अट्रैक्टिव होती है और ये दोस्तों के दोस्त बनते हैं। इनके कई बार लव अफेयर्स होते हैं और लव अफेयर्स इनके लंबे समय तक चलते हैं और ये अच्छी हैप्पी लाइफ में भी कन्वर्ट होते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ में भी कन्वर्ट होते हैं, पर कई बार ये अपनी वाणी के कारण, अपनी बातचीत के कारण अपने पार्टनर को हर्ट करते हैं और इस कारण उनके लव अफेयर्स कई बार टूट भी जाते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति ने अपने आप को कंट्रोल किया तो इनकी लाइफ, मैरिड लाइफ बहुत लंबे समय तक चलती है, इनकी मैरिड लाइफ अच्छी चलती है और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। आवश्यकता यह होती है कि व्यक्ति एक दूसरे को समझे। बात करते हैं हेल्थ की। सामान्यतः अक्टूबर महीने में पैदा होने वाले लोगों की हेल्थ अच्छी होती है। थोड़ी बहुत परेशानियां जो आंख से रिलेटेड हों, किडनी से रिलेटेड हो या कई बार इनको ब्रेन से रिलेटेड भी परेशानियाँ हो जाती हैं। अगर ऐसी कोई भी परेशानी आपको महसूस होती है तो निश्चित रूप से सही समय पर डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, क्योंकि देर करने से वो परेशानी बढ़ सकती है और घातक भी हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अक्टूबर महीने में पैदा होने वाले लोगों के विषय में। अगर आपका जन्म भी अक्टूबर महीने में हुआ है तो आप अपने आप को कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारा आपसे फिर एक बार अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी में हैं, आप कंसल्टेशन हमसे लेना चाहते हैं, तो हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर DM कीजिए।
हम निश्चित रूप से आपकी समस्या को सुलझाने का पूरा पूरा प्रयास करें। हाँ, हमारा कंसल्टेशन निश्चित रूप से पेड होगा। अब बात कर लेते हैं करियर की। करियर आप किसी भी फील्ड में जाएं तो अक्टूबर महीने वाले लोग अपना एक छत्र राज करते हुए आपको दिख जाएंगे। चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे क्रिएटिव आर्ट हो, चाहे लीगल फील्ड हो, चाहे वो फिनांस हो और चाहे वो बिजनेस हो, अक्टूबर महीने में पैदा होने वाले लोग आपको वहाँ सफलता के झंडे गाड़ते हुए दिख जाएंगे। तो आप अपनी आप को पहचानिए। अगर आप अपने नंबर के अनुसार, अपने DOB के अनुसार अगर आप करियर चुनते हैं तो अक्टूबर महीने वालों को सफलता अवश्य मिलेगी। हाँ, करियर को चुनाव आप सोच समझ के जरूर कीजिए। और अब बात कर लेते हैं वो कलर्स, वो लकी कलर्स जो कि अक्टूबर महीने में पैदा होने वालों के लिए अच्छे होते हैं, उनके लिए शुभ होते हैं। जब भी कहीं आप विशेष काम के लिए जाएं, किसी पार्टी में जाएं, किसी इंटरव्यू में जाएं या किसी भी बिजनेस डील में जाएं, इन कलर्स को ज़रूर पहनिए। आपके लिए जो अच्छे कलर्स हैं वो है लाइट येलो, येलो गोल्डन कलर या क्रीम कलर। ब्लैक कलर आप भी अवॉइड करें तो आपके लिए बेहतर होगा। आपके लिए जो शुभ दिन है वो है इतवार और सोमवार, यानी संडे और मंडे आपके लिए अच्छा दिन होता है, यानी संडे और मंडे दोनों दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। अब बात कर लेते हैं उन टिप्स की जिनका पालन करके आप अपने लाइफ को स्मूथ बना सकते हैं और वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जिसकी आप अभिलाषा करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिए। आप अपनी बातचीत को अच्छे शब्दों के साथ ही करें, अच्छा होगा। दूसरे की भावना को समझें और कभी ईगो इस बातचीत के बीच में ना आने दें। आप ट्रांसपेरेंसी पे रखें। अगर आप अपनी बात अपने पार्टनर्स के साथ, लाइफ पार्टनर्स के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ छुपाते हैं तो वो भी एक सेपरेशन का कारण बन जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो आपको लाइफ में सफलता जरूर मिलेगी। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके जो फ्रेंड सर्किल हो, आपकी जो संगत हो, वो अच्छे लोगों के बीच में होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी बुरी संगत होती है तो आपको नेगेटिव रास्ते पर ले जाएगी और आपके लिए वो बड़ी भारी परेशानी का कारण बनेगी। कर्ज लेने से भी आपको बचना चाहिए और अगर कर्ज लेना आवश्यक भी हो तो बड़ा कैलकुलेटिव होना चाहिए और उसके लिए आपको मेंटली तैयार होना चाहिए और पूरी प्लानिंग होना चाहिए अगर आप कर्ज लेना चाहते हो। अब बात कर लेते हैं हमारे देश की उन सेलिब्रिटीज़ की जिनका जन्म अक्टूबर महीने में हुआ। तो जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा है कि अक्टूबर महीने में हमारे देश की और विदेशों की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े राजनेता, महान लोग पैदा हुए हैं। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, APJ अब्दुल कलाम और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म अक्टूबर महीने में हुआ। अमित शाह जी का जन्म भी अक्टूबर महीने में ही हुआ है। बात करें बॉलीवुड की तो अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना जी का जन्म भी अक्टूबर महीने में ही हुआ है। अभिनेत्री की बात करें तो रेखा और हेमा मालिनी दोनों का जन्म भी अक्टूबर महीने में ही हुआ है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म भी अक्टूबर महीने में ही हुआ है। 15 अक्टूबर को उनका जन्मदिन पड़ता है। वीरेंद्र सहवाग जो कि एक बड़े क्रिकेटर हैं, उनका जन्म भी अक्टूबर महीने का ही है। जाने माने पत्रकार और TV चैनल वाले अर्णव गोस्वामी का जन्म भी अक्टूबर महीने में ही हुआ है। तो ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनका जन्म अक्टूबर महीने में हुआ है। आप अपना जन्म किस सेलिब्रिटीज के साथ शेयर करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपका जन्म अक्टूबर महीने में हुआ है या आपके मित्रों का जन्म अक्टूबर महीने में हुआ है, आपके लाइफ पार्टनर या रिश्तेदार का जन्म भी अक्टूबर महीने में हुआ है तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। हमें जरूर बताइए, हमें बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी की और अधिक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें।